हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग्स के मेंस में फ्लूइड मैकेनिक्स में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। तो एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका एसएससी जेई 2008 में 15 मार्क्स का आया हुआ है। क्वेश्चन आपका पेल्टन व्हील के ऊपर है। क्वेश्चन है आपका, ए पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइंड फॉर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। शाफ्ट पावर 11772 किलोवाट। हेड आपका दिया हुआ है 380 मीटर। स्पीड 750 rpm। ओवरऑल एफिशिएंसी 86%। डायमीटर इज नॉट टू एक्सीड 1/6 ऑफ द व्हील डायमीटर, मतलब जो जेट का डायमीटर है वो व्हील डायमीटर का 1/6 होना चाहिए। देन डिटरमाइन, फर्स्ट आपका पूछा हुआ है व्हील डायमीटर, सेकंड आपका द नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड, और थर्ड आपका दिया हुआ है डायमीटर ऑफ जेट। टेक कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी 0.985 एंड स्पीड रेशियो 0.45। तो ये क्वेश्चन आपका पेल्टन व्हील के ऊपर है। पेल्टन व्हील में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस में आपको जो तीन चीज़ें पूछी हुई हैं, व्हील डायमीटर, नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड्स एंड डायमीटर ऑफ जेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इस क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शाफ्ट पावर आपको दिया हुआ है 11772 किलोवाट। शाफ्ट पावर के बाद आपको हेड आपको दिया हुआ है, हेड एच आपको दिया हुआ है 380 मीटर। इट इज़ द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। उसके बाद आपको दिया है स्पीड मतलब एन, ये आपको आरपीएम में स्पीड दी हुई है, विच इज़ 750 rpm। उसके बाद आपको दिया ओवरऑल एफिशिएंसी ये आपको दी हुई है, इट इज़ इक्वल टू 86%। 86% आपको ओवरऑल एफिशिएंसी दी हुई है। डायमीटर इज़ नॉट टू एक्सीड 1/6 ऑफ व्हील डायमीटर। अगर हम मानते हैं कि स्मॉल डी है, इट इज़ डायमीटर ऑफ जेट, और कैपिटल डी हम मान लेते हैं डायमीटर ऑफ व्हील। तो आपको दिया है कि जो स्मॉल डी है, इट इज़ कैपिटल डी बाई 6। ये कंडीशन आपको दी हुई है कि जो जेट का डायमीटर है वो व्हील डायमीटर का 1/6 होना चाहिए। उसके बाद आपको दो चीज़ें और दी हुई हैं, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी इट इज़ सी वी, जो कि आपको दिया हुआ है 0.985। उसके बाद आपको एक वैल्यू दी हुई है स्पीड रेशियो आपको दिया हुआ है, इट इज़ 0.45। ये सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं पेल्टन टर्बाइन के केस में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हील डायमीटर के बारे में। तो व्हील डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो सपोज हम मानते हैं, इधर हम देखते हैं, अगर यू बराबर आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो यू को किस प्रकार से निकाला जाएगा, जो आपका स्पीड रेशियो है, स्पीड रेशियो को हम डिफाइन करते हैं। आपका जो स्पीड रेशियो को डिफाइन करते हो, इट इज़ टेंजेंशियल वेलोसिटी यू अपॉन √2 इंटू जी इंटू में एच। स्पीड रेशियो को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी टू द अंडर रूट 2gh। स्पीड रेशियो आपको दिया हुआ है 0.45 u अंडर रूट 2g की वैल्यू आप लिखते हो 9.81, और हेड आपको दिया हुआ है, इट इज़ 380 मीटर। हेड आपको दिया हुआ है 380 मीटर। तो यहाँ से जब आप u की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो ये u की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आती है, इट इज़ 38.85, इट इज़ 38.85 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यू आपकी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, कैलकुलेट होकर आती है 38.85। बात हम करते हैं इस व्हील डायमीटर की, तो इस व्हील डायमीटर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी यू है, तो व्हील डायमीटर में आपका ये रिलेशन यूज होता है, जो यू दिया जाता है, विच इज़ पाई डी एन अपॉन 60 से। तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, पाई डी एन अपॉन में 60। तो यहाँ से हम डी को अगर कैलकुलेट करें, तो इट इज़ 60 इंटू यू अपॉन पाई एन। इन सब वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, 60 यू की वैल्यू आप रखते हो 38.85 अपॉन पाई, और आरपीएम आपको दी हुई है, इट इज़ गिवन एज 750 rpm। तो ये सब जब कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से जो डायमीटर है, इट इज़
गिवन एज, डायमीटर कैलकुलेट होके आपके पास आता है इट इज़ 989 mm, इट इज़ 989, पहले आपका ये वैल्यू मीटर में आएगा 0.989, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 990 mm. तो जो आपका व्हील का डायमीटर है इट इज़ 990 mm. बात करते हैं अगर हम जेड डायमीटर की, तो यहाँ से जेड डायमीटर को आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज़ डी बाई 6, तो ये हो जाएगा 990 / 6. इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आपकी एग्जैक्टली कैलकुलेट होके आती है, इट इज़ 165 mm, इट इज़ 165 mm. तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट होके आती हैं, जो व्हील डायमीटर होगा इट इज़ 990 mm, और जो आपका जेट का डायमीटर होगा इट इज़ गिवन एज 165 mm. नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जब तक आप इसको नोट कर सकते हो. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड, मतलब कितने जेट होने चाहिए, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए. तो सबसे पहले हमें इस पूरे क्वेश्चन में टोटल डिस्चार्ज कितना होगा उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, और एक नोजल से कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. तो टोटल डिस्चार्ज में से हम एक जेट से जितना डिस्चार्ज है उसको डिवाइड कर दें तो आपका नंबर ऑफ जेट कैलकुलेट होके आता है. तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड, ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड, तो हम ये मान लेते हैं जो क्यू है वो आपका टोटल डिस्चार्ज है. तो सबसे पहले टोटल डिस्चार्ज को कैलकुलेट किया जाए इस क्वेश्चन में. तो टोटल डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है विच इज़ गिवन एज ओवरऑल एफिशिएंसी. अगर हम टरबाइन के केस में एफिशिएंसीज की बात करें तो तीन तरह की एफिशिएंसीज को डिफाइन किया जाता है. एक आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है, दूसरी आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, और तीसरी आपकी एफिशिएंसी जो होती है ओवरऑल एफिशिएंसी. अगर टरबाइन की बात करें तो टरबाइन में जो हाइड्रोलिक पावर से आपका रनर पावर मिलता है, और रनर पावर से आपको लास्ट में शाफ्ट पावर मिलती है. तो अगर जो हाइड्रोलिक पावर से रनर पावर है उसमें हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को यूज़ करते हैं, रनर पावर से जो आपकी शाफ्ट पावर होती है उसका जो रेशियो होगा वो आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी जितना लॉस होगा, और जो फाइनल आपकी शाफ्ट पावर है और इनिशियल आपका हाइड्रोलिक पावर, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ओवरऑल एफिशिएंसी. तो अगर ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो इसका फॉर्मूला दिया जाता है इट इज़ शाफ्ट पावर और अपॉन वाटर पावर. वाटर पावर मतलब हाइड्रोलिक पावर. तो एफिशिएंसी आपको दी हुई है 0.86, शाफ्ट पावर आपको क्वेश्चन में दी हुई है 11772 किलोवाट टेंस टू पावर 3. वाटर पावर को हम डिफाइन करते हैं रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच से. वाटर पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो वेट ऑफ फ्लूड फ्लोइंग पर सेकंड और इंटू में हेड. तो वेट ऑफ फ्लूड पर सेकंड आपका ये वैल्यू आता है और मल्टीप्लाइड होकर आपका हेड आता है. तो रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच, ये आपकी हाइड्रोलिक पावर है या वाटर पावर है. तो यहाँ से अगर आपको क्यू कैलकुलेट करना हो तो क्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है, इट इज़ ये वैल्यू 0.86 नीचे आ जाती है. डेंसिटी वाटर 1000, जी की वैल्यू आप लेते हो 9.81, और मल्टीप्लाई बाई हेड आपका गिवन है 380 मीटर. तो ये जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आपका टोटल जो डिस्चार्ज है वो कैलकुलेट हो के आता है, इट इज़ 3.67, इट इज़ 3.67 मीटर क्यूब पर सेकंड. तो टोटल डिस्चार्ज आपका कैलकुलेट हो गया है 3.67 मीटर क्यूब पर सेकंड. तो बात हम अब करते हैं कि जो ये आपका टोटल डिस्चार्ज है, अब मुझे कैलकुलेट करना है कि एक जेट से कितना डिस्चार्ज निकलता है. तो एक जेट से डिस्चार्ज के लिए हमें उसका एरिया चाहिए होता है और इनटू में वेलोसिटी. को डिस्चार्ज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है इट इज़ एरिया इनटू में वेलोसिटी. तो सबसे पहले अभी रिक्वायरमेंट है कि जो जेट की वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए. तो जेट की वेलोसिटी के लिए आपको एक वैल्यू दी है कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी सी वी. कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी सी वी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ वी अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच से. तो सी वी आपको दिया हुआ है 0.985 मल्टीप्लाई सॉरी इक्वल टू वी अंडर रूट 2 इंटू 9.81 और हेड आपको दिया हुआ है 380 मीटर. तो यहाँ से जेट वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं. ये जो वी है आपकी, इट इज़ जेट वेलोसिटी. ये वेलोसिटी आपकी कैलकुलेट होके आती है, इट इज़ जेट की वेलोसिटी कैलकुलेट होके आएगी आपकी 85.05, इट इज़ 85.05 मीटर पर सेकंड. ये आपकी जेट की वेलोसिटी कैलकुलेटर क्या आई, 85.05 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट पार्ट की मैं डिस्कस करते हैं, जब तक आप इसको नोट कर सकते हैं.
तो नंबर ऑफ जेट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज, और डिवाइड बाय कर सकते हैं हम डिस्चार्ज फ्रॉम वन जेट। तो टोटल नंबर एन को कैलकुलेट करें, टोटल डिस्चार्ज आपका क्यू हो जाता है, और एक नोजल से या एक जेट का जो डिस्चार्ज है वो दिया जाता है एरिया, एरिया आपका जेट का हो जाता है पाई बाई 4 d² जहाँ पे d जेट का डायमीटर और इनटू में वेलोसिटी। तो यहाँ से एन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल डिस्चार्ज अपना कैलकुलेट हो गया था 3.67 m³/s, पाई बाई 4, जेट का डायमीटर हमने कैलकुलेट किया था 165 mm। तो यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं 0.165 square, और फाइनल आपकी वेलोसिटी कैलकुलेट हो क्या आई थी, इट इज़ 85.05, इट इज़ 85.05। तो ये एन को जब आप कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 2.01। तो ये एन मतलब आपका इक्वल हो जाता है 2 के, मतलब जो नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड होंगे इट इज़ इक्वल टू 2।